अरे अरे क्या हो गया भाई? अरे तू कौन है? तूने तो सबका चैन खो दिया भाई। कोई हल्की सी घटना घटी और बस इस अरे का प्रयोग शुरू हो गया। ये सबकी हवाइयाँ उड़ा देता है। जिसने जिसको बोला बस वो चौकन्ना हो गया, क्योंकि ये संबोधन शब्द है ना, इसलिए अरे दुनिया का कोई भी वाक्य शुरुआत अगर करें हम संबोधन से तो इसका प्रयोग करते हैं, जरूर करते हैं। बहुत मज़ेदार बात है। तो इस अरे ने सबका चैन खो दिया है। जिससे भी कहो कि अरे क्या कर रहे हो भाई, अरे भाई वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वो कहता है वाह भाई वाह, अरे मैंने क्या कमाल कर दिया, कमाल तो हो ही रहा है। तो हम बोले अरे भाई आपकी बात नहीं है, ये दुनिया की बात है। अरे इस दुनिया को देखो, ये दुनिया कितनी मतलबी है, कितनी फितरती है, कितनी स्वार्थी है। अरे वाह भगवान ने भी क्या दुनिया बनाई है। तो हम थकते नहीं हैं और ना कभी विचार किया है कि अरे ये क्या है, अरे वाह भाई वाह। अरे देखिए, चाहे आप अगर आपने देखा हो ना शोले फिल्म को देखा हो, अमिताभ जी को देखा होगा, तो देखिए उनसे अरे वाह क्या करेक्टर है अमिताभ का यार। तो जवाब आ रहा है वाह अरे भाई आपने धर्मेंद्र का कैरेक्टर नहीं देखा, कितना मज़ेदार कैरेक्टर है। हाँ अरे हाँ ये बात तो है, धर्मेंद्र कुछ भी कहते रहते हैं, अमिताभ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमिताभ इस कान सुनते हैं इस कान निकाल देते हैं। वाह क्या बात है, क्या कैरेक्टर है। हाँ एक बात तो है कि अमिताभ जैसा कैरेक्टर बहुत कम है, धर्मेंद्र जैसा कैरेक्टर भी बहुत कम है। अरे हाँ आज की दौर में जो कैरेक्टर है ना वो तो बड़ा अजीब तरीके के, उनकी तो कोई बात ही नहीं। उन्हें और उन्हें अगर कंपेयर किया जाए तो बड़ा अंतर दिखाई देता है। अरे भाई आप समझ ही नहीं रहे हो कि जमाने की रफ्तार, जमाने की चाल जैसी चल रही है वैसे ही लोग बदल रहे हैं, दुनिया बदली चली जा रही है। ये बात तो है। अगर हम नेताओं की बात करते हैं तो देखिए कि नेता पहले के कैसे थे। अरे भाई वाह उनका तो कोई जवाब ही नहीं था, क्या सारी सब कुछ उनका प्रजा के लिए था, जनता के लिए था, असली रामराज्य था उस समय पे, प्रजातंत्र था, लोग सांस अच्छे तरह से लेते थे। और आज नेता कितना करप्शन में जाता है, करप्शन करता है, कितना भ्रष्टाचार फैलाता है और उसके बाद उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अरे यार ये बात तो बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। हाँ क्योंकि किसी भी नेता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं कौन सी दवा खाते हैं, कितना ही घोटाला कर ले, कुछ भी कर ले, उसके बावजूद ज्यों की त्यों नजर आते हैं वो। अरे भाई उनका और आम पब्लिक का एक अलग है व्यवहार, क्योंकि पुलिस भी उनसे पूछताछ करती है तो थर्ड डिग्री का प्रयोग नहीं करती। हाँ अरे ये बात तो सही कह रहे हैं आप। आम जनता को तो ना अगर उसने न किया है क्राइम तब भी कबूल करवा लेगी, मारेगी चार डंडे। अरे क्या बात है, क्यों नहीं बता रहा है? अरे बिल्कुल सही बात है। देखिए देश के नेता जनता कितना बड़ा अंतर, हर खुशी हर उमंग में इस अरे का समावेश है। तो भाई मैं इस अरे को धन्यवाद देता हूँ कि तूने तो कोई भी पक्ष छोड़ा नहीं है, तूने कोई भी छोड़ा नहीं है,
चाहे वो हिंदू है, हिंदू है, परेशानी आई, हरे राम हरे कृष्ण अरे माँ अरे मैया है, और मुसलमान है, अरे अल्लाह अरे खुदा तूने ये क्या किया। और अगर ईसाई है तो देखिए वो भी वो कहेगा वो मानी भी अरे होता है, ओ गॉड, हम कहेंगे अरे भगवान। और देखिए सिख समुदाय को भी देख लीजिएगा आप, अरे वाहे गुरु वाह, अरे वाहे गुरु तेरे ही सब कुछ है। तो खुशी के लम्हा में हम कम याद करते हैं इस अरे को, और गम के लम्हा में हम इस अरे को बहुत याद करते हैं, और जहाँ कोई घटना घटती है इस अरे को हम अवश्य याद करते हैं, और इस अरे का प्रयोग करके हम दूसरे के दिल को एकदम टटोल के फेंक देते हैं, हवाइयाँ उड़ा देते हैं, उसके चेहरे की रंगत उड़ा देते हैं उस समय। तो इस अरे ने इस दुनिया का अरे कर दिया है, वाह, अरे तू तो सभी में समाया हुआ है, बड़े में छोटे में नीच में ऊंच में गरीब में अमीर में, तेरी तो वाह, मोटा हो पतला हो हंसना रोना सब कुछ इस अरे में, अरे तूने सभी पे राज कर लिया है, अरे तुझे धन्यवाद, अरे तुझे जिसने बनाया है तू तो सबका प्रेरणा स्रोत हो गया है, अरे तूने कमाल करके फेंक दिया है, अरे मैं तुझे सलाम करता हूँ, अरे मैं तुझे नमस्कार करता हूँ, अरे तेरे तेरे प्रयोजन से सभी सही रहें ये मैं तुझसे उम्मीद करता हूँ, और धन्यवाद इस अरे बनाने वाले के लिए, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे एक अनुरोध के साथ में इस वीडियो को समाप्त करूँगा कि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ रेड बटन जो सब्सक्राइब का है उसे आप ज़रूर दबाइए, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, इतना हमारे ऊपर एक एहसान कर दीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।